दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की एक नई वीडियो में आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर वक्त एप्लीकेशंस और क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशंस, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि SECP ने लोन एप्लीकेशंस के ऊपर एक्शन ले लिया है और एक नोटिफिकेशन जारी किया था, एक रिपोर्ट जारी की थी कि अब जितनी भी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है, जिनको रेगुलेट किया है, जिनको लाइसेंस दिया है SECP ने, अब ये SECP के टर्म एंड कंडीशंस के मुताबिक, इनकी शराइतो जब्त के मुताबिक काम कर सकते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन इनकी शराइतो जब्त के मुताबिक काम नहीं करेगी तो उनके ऊपर कानूनी एक्शन लिया जाएगा। तो अब जो ये बर वक्त एप्लीकेशन है और क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशंस है, इनमें हमें देखने को एक तब्दीली मिली है। वो तब्दीली क्या है वो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे प्ले करके दिखा देता हूं कि क्रेडिट कार्ड वालों ने अपनी एप्लीकेशंस में क्या तब्दीली की है, ये अपनी एडवर्टाइजमेंट पहले कैसे करते थे अब कैसे कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि जो SECP ने इनको एक नोटिस जारी किया था कि आपने हमारे शराइतो जब्त के मुताबिक काम करना है, आपने अवाम को, ऑडियंस को, जो यूजर हैं उनको पहले बताना है कि आप लोन देते कैसे हैं, स्टार्टिंग में कितना लोन देते हैं, आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं। तो बरवक्त की भी मैंने एक एड देखी थी लेकिन उसका मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सका। उसके बाद मैंने उस एड को काफी रिसर्च किया, काफी ढूंढा लेकिन मुझे मिली नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड की जो उनकी एडवर्टाइजमेंट है, उनका मैंने जो अपने मोबाइल फोन से स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, वो मैं यहाँ पे साथ प्ले कर देता हूँ। आप लोग पहले इसको देखें, इसके बाद मैं आपको बताने जाऊंगा कि अब इन्होंने आगे क्या करना है। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग पहले आप देख लें। भरनी पड़ती थी, फ्री कर दी गई है। सुस्त आमद गिरफ्तार के साथ कर्ज साफ्टवेयर को हजम कर दिया गया है। कर्ज का साफ्टवेयर जो एक साथ में आहिस्ता से अदा नहीं किया जा सकता, फ्री कर दिया गया। अगर आप रकम लेना चाहते हैं तो एक महफूज और काबिले एतमाद प्लेटफॉर्म पर आएं। ज्यादा से ज्यादा रकम 50,000 है, सूद कम है और वापसी को 12 किस्तों में तकसीम किया जा सकता है। तरीकाकार आसान है। अगर आप रकम उधार लेना चाहते हैं तो दरख्वास्त देने के लिए सिर्फ लिंक पर क्लिक करें। जी तो फ्रेंड्स, आपने ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखी, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन का जो एडवर्टाइजर है, जो एड चला रहा है इनकी, वो अपनी एड में बता रहा है कि हमने ये चीज भी खत्म कर दी है, हमने ये चीज भी खत्म कर दी है, अब आपको इतना लोन मिलेगा और 12 महीनों के लिए मिलेगा। सेम इसी तरह बर वक्त वालों ने अपनी एडवर्टाइजमेंट में, अगर आपको भी किसी वीडियो के ऊपर एड चलती नजर आती है बर वक्त की, तो उन्होंने अब अपनी एडवर्टाइजमेंट में जहां पे ये पहले शो करवा रहे थे कि हम 91 डेज के लिए 25,000 से 50,000 रुपए का लोन देते हैं अपनी सार्फिन को, वहां पे अपनी एडवर्टाइजमेंट में अब ऐसा नहीं कह रहे। अब ये बता रहे हैं कि हम 1500 से 25,000 रुपए तक का लोन देते हैं, लेकिन इन्होंने अभी भी वही, इन्होंने जो अंदर एक पचीदगी रखी हुई है कि इन्होंने ये वाजिया तौर पर नहीं बताया कि हम 7 दिन के लिए लोन देते हैं, और ये भी वाजिया नहीं बताया कि हम ऊपर इंटरेस्ट रेट 40% या 45% लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि बर वक्त वाले और क्रेडिट कार्ड वाले और जो दूसरी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस हैं, ये आपके फैमिली कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल नहीं करेंगे। अगर कोई कॉल करेगा तो आपने इनकी कॉल रिकॉर्डिंग करनी है और रिकॉर्डिंग करके आपने SECP को सेंड करनी है, तो इनके ऊपर फिर कानूनी एक्शन होगा। तो ये थी दोस्तों आज की एक न्यू अपडेट, जो मैंने सोचा आप तमाम दोस्तों के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो मैं आजकल जो ज्यादा मेरा फोकस है वो इस चीज पे है कि जितने लोगों ने लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, और हमारे मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है, बढ़ती हुई जो महंगाई है, और बहुत से ऐसे, ये लोन एप्लीकेशन के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां पे स्कैम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। तो अब मैं बेसिकली चाहता हूं कि 2022 तो खत्म हो चुका है, लेकिन 2023 में लोग ऑनलाइन अर्निंग करके, जो फीमेल हैं, जो माएँ बहनें बेटियां हैं, वो घर बैठ के जो ओरिजिनल ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म है,
जो ओरिजिनल जहां से आप बिल्कुल ऑर्गेनिक ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, पाकिस्तानी रुपीस जो है अपने जैज कैश, इजी पैसा या बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, और जो बिल्कुल रियल वेबसाइट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और साथ ही साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यूट्यूब पर चैनल बनाएं। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम कल कर लेंगे, हम परसों कर लेंगे, तो ये करते करते 2022 गुजर चुका है, 2023 भी गुजर जाएगा, 2024 भी गुजर जाएगा, लेकिन आप सोचते रहेंगे, फिर आप तलाश में रहेंगे कि कोई लोन एप्लीकेशन आ जाए, हमारे हालात खराब हो गए हैं, हम लोन ले लें, हम बैंक से लोन ले लें। अभी कल की स्टोरी है, मेरे साथ एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे पर्सनल पे टच किया, उन्होंने कहा कि मुझे लोन चाहिए 5 लाख रुपए का, मेरा गेमिंग का जो बिजनेस है वीडियो गेम्स का, तो मैं एक और वीडियो गेम रखना चाहता हूँ ताकि मेरे जो कस्टमर हैं वो बढ़े और मेरी सेल ज़्यादा हो। तो उन्होंने अपने माली हालात भी काफ़ी मेरे साथ डिस्कस किए, लेकिन मैं वो तमाम बातें आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, और ना ही मैं उनका कमेंट जो है, ना उनका नाम आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये तमाम चीज़ों के पीछे एक चीज़ है, महंगाई और बेरोजगारी। लेकिन आजकल जो स्कोप है वो ऑनलाइन अर्निंग का है, ऑनलाइन अर्निंग कैसे होती है, रियल कैसे होती है, ये तमाम चीज़ें आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी, मैं आपको रियल चीज़ें बताऊंगा। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन के बटन को, घंटी वाले बटन को ऑन करना है, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो जहां तक लोन एप्लीकेशंस का सवाल है, तो इनके पीछे FIA भी लग चुका है, इनके पीछे SECP भी लग चुका है, इनके पीछे और भी अदारे लगे हुए हैं, तो ये बैन हो जाएंगी। आप लोगों को अवेयरनेस मिल चुकी है और आपने आगे लोगों को अवेयरनेस देनी है कि ऑनलाइन फ्रॉड है, लोन एप्लीकेशन स्कैम है, यहां से आप लोन मत लें, आप हक लाल की रोजी कमाना सीखें, ये लोन शोन के चक्रों में पड़े ना, चाहे वो बैंक का लोन है, चाहे वो कश्यप फाउंडेशन का लोन है, चाहे वो अखुवत फाउंडेशन का लोन है, किसी से भी आप लोन मत लें। आप ये सोचें कि मैंने जिंदगी में तरक्की कैसे करनी है, पैसा कैसे कमाना है, क्योंकि पैसे के साथ ही सब वैल्यू है, पैसे के साथ ही आपकी इज्जत है, पैसे के साथ ही आप कुछ कर सकते हैं, और कानून भी पैसे वाले बंदे का है, लोन एप्लीकेशन वालों के पास भी पैसे हैं, इसी वजह से इनके ऊपर जो इतनी जल्दी वो कोई भी एक्शन नहीं हमें होते हुए नजर आ रहा। ये तमाम चीजें इस वजह से हैं क्योंकि पैसा जो कायदे आजम है, जो पैसा है, इसकी वैल्यू है, इसकी कदर है। आप भी 2023 में कोशिश करें कि आपने ऑनलाइन तरीके से पैसा कमाना है, आपने अपने मोबाइल फोन के हाथों यूज नहीं होना, आपने अपने मोबाइल फोन को यूज करना है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।